नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों के चलते हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली मेट्रो का आगमन और मेट्रो स्टेशनों के नीचे होने वाली पार्किंग बाधित रहेगी। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त सुबह 6 बजे से ही दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर सभी पार्किंग 32 घंटे बंद रहेंगी और इस दौरान पार्किंग में ना ही तो वाहनों का प्रवेश होगा और ना ही पार्किंग में पहले से खड़े वाहनों को बाहर निकाला जा सकेगा। बता दें, डीएमआरसी के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के मद्देनजर सुरक्षा कारणों के चलते 14 अगस्त की सुबह 6 बजे से दिल्ली मेट्रो से सभी मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग बंद कर दी जाएगी। साथ ही 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के बाद दोपहर 2 बजे के बाद पार्किंग यात्रियों के लिए खोल दी जाएगी। वहीं डीएमआरसी ने पार्किंग ठेकेदारों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही बता दें, पार्किंग ठेकेदारों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये भी निर्देश दिए गए हैं कि बंद के दौरान सभी पार्किंग की सही ढंग से सफाई रखी जाए और पार्किंग में की जाने वाली साफ सफाई के निरीक्षण के लिए डीएमआरसी के अधिकारी तैनात किए जाएंगे जो पार्किंग के सफाई संबंधी दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए ठेकेदारों पर नजर रखेंगे। बता दें, स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आज यानी कि शुक्रवार को आयोजित की जाएगी और रिहर्सल के चलते कई मार्ग भी आज बंद रहेंगे। लाल किले के आसपास के सारे मार्ग आज बंद रहेंगे। ऐसे में फुल ड्रेस रिहर्सल के भी इंतजाम भी रहेंगे जो 15 अगस्त को रहते हैं। कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं। वहीं बॉर्डरों पर दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की विशेष चेकिंग की जाएगी। हालांकि इस बार आमंत्रित लोग ही लाल किले के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम पर लगातार आगे बढ़ रही है। भारतीय उद्योग परिसंघ की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कंपनियों को प्राइवेट किए जाने की पुष्टि की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। वहीं निर्मला सीतारमण ने ये बात गुरुवार को CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में भी मोदी सरकार ने सुधार कार्यक्रमों को जारी रखा है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो ठीक लगा वो किया गया और इसी क्रम में कई कानूनों में बदलाव हुआ है। साथ ही कृषि कानून, आय और फैक्ट्री श्रम, मध्यस्थता, दिवाला कानून में भी संशोधन किए गए हैं। पिछली तारीख से लगने वाले टैक्स को खत्म किया गया है और इसके अलावा उन्होंने सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों और अन्य सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन के लिए उठाए गए कदमों की भी बात की है। सरकार के प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए वो सार्वजनिक लोक उपक्रमों के लिए एक नीति भी लेकर आई है। वहीं एक खबर के मुताबिक आपको बता दें, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम को लेकर प्रतिबद्ध है। वो बजट में घोषित सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर आगे बढ़ रही है। पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों समेत अन्य कई मुद्दों पर विपक्षी दलों ने भारी हंगामे के चलते मॉनसून सत्र में लोकसभा में 22% तो राज्यसभा में 28% ही कामकाज इस बार हो सका है। बता दें, मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हंगामा इसी सत्र में हुआ है और इसके बावजूद भी राज्यसभा से औसतन प्रतिदिन 1 से ज्यादा विधेयक पारित हुए हैं। ये जानकारी सरकार ने खुद बृहस्पतिवार को दी है। हालांकि स्थगन और हंगामे के चलते 11 अगस्त तक राज्यसभा में 76 घंटे 26 मिनट बर्बाद हो गए थे। वहीं 2014 में राज्यसभा के 231वें सत्र के दौरान 4 घंटे 30 मिनट बर्बाद हुए थे। इसके बाद स्थगन और हंगामे के चलते औसत प्रतिदिन सबसे ज्यादा वक्त इस सत्र में बर्बाद हुआ है। बता दें, राज्यसभा की कार्यवाही मात्र 17 दिन चली, लेकिन साल 2014 के बाद से सबसे ज्यादा विरोध के बावजूद सदन में औसतन हर दिन 1.1 बिल पारित किए गए हैं। वहीं पिछले साल मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हर दिन
2.5 बिल पास किए गए थे, जो कि साल 2014 के बाद से सबसे ज्यादा था। इस सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा 22 बिल पास किए गए हैं। साथ ही मानसून सत्र की शुरुआत बता दें 19 जुलाई को की गई थी और ये सत्र 13 अगस्त तक चलना था, लेकिन तय अवधि से दो दिन पहले ही दोनों सदनों को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं बिना चर्चा कराए बिलों को पारित कराने के आरोप पर सरकार ने कहा कि यूपीए सरकार ने साल 2006 से 2014 के बीच आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल समेत 18 बिल पास कराए थे और ऐसे में यूपीए ने 72 मिनट में 17 विधेयक पारित कराए थे, जो करीब 4 मिनट में एक बिल पारित होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यमिक विद्यालयों का अस्तित्व बचाने और गरिमा लौटाने के आह्वान के बीच इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में अब व्यापक बदलाव का खाका तैयार कर लिया गया है। बता दें पाठ्यक्रम में किताबी ज्ञान को कम कर डिजिटल और प्रैक्टिकल को बराबर अनुपात में शामिल किया जाएगा। वहीं राष्ट्रवाद और सामाजिक सरोकारों के साथ देश और समाज प्रभावित करने वाली वाली घटनाओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। साथ ही बता दें माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में ये व्यापक बदलाव शैक्षणिक सत्र 2022-23 से किया जाएगा। ऐसे में माध्यमिक विद्यालयों में 32 सप्ताह की शिक्षण योजना को 3 भागों में बांटा जाएगा और पहले भाग में कक्षाओं में पठन पाठन कराया जाएगा और दूसरे भाग में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विषयों का अध्ययन कराया जाएगा, जबकि तीसरे चरण में संबंधित विषय के प्रोजेक्ट बनवाए जाएंगे ताकि विद्यार्थी किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी हिस्सा ले सकें। ऐसे में साल 2022-23 में होने वाले सेशन से इसे सभी विषयों में लागू किया जाएगा। बता दें पाठ्यक्रम में मूल्य परक शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे में साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेंडर और आपदा प्रबंधन विषयों को भी शामिल किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए जल्द ही देश में एक खुराक वाली वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। जी हां, सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को एकल खुराक वाली वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है, लेकिन इस वैक्सीन को केवल विदेशों से मंगाया जा सकता है और अगर कंपनी को भारत में इसका उत्पादन करना है तो उसके लिए अलग से आवेदन करना भी होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन विशेषज्ञ समिति के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया है कि मॉडर्ना की तरह जॉनसन एंड जॉनसन को भी विदेशों से वैक्सीन मंगवाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। बीते मई महीने में स्पुतनिक 5 को भी यह अनुमति मिली थी, लेकिन भारत में इसके उत्पादन के लिए सीरम सहित 6 कंपनियों ने दोबारा आवेदन किया था। ऐसे में सीरम को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन देश में उत्पादन शुरू नहीं हुआ है और इस महीने के आखिर तक जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की पहली खेप भारत को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने त्रासदी की स्थिति पैदा कर दी है। बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे लोग अब प्रशासन से हार कर भगवान से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल वाराणसी के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव की आराधना कुछ इसी मंशा के साथ हुई है। दरअसल बाबा काल भैरव के दरबार में सावन महीने में होने वाले वार्षिक हिम श्रृंगार में बाढ़ और कोरोना मुक्ति के लिए विशेष पूजा पाठ किया गया और ऐसी के लिए चारों ओर बर्फ से सजावट की गई थी, जिससे के बीच में काल भैरव का गर्भगृह नजर आए और उनके पूजन में मंदिरा भी चढ़ाई गई।
और 56 भोग भी लगाए गए। बता दें काल भैरव की पूजा के लिए फलों की लताएं भी लगाई गई थी। वहीं बर्फ से अमरनाथ के बाबा बर्फानी के प्राकृतिक भी तैयार की गई थी। जो लोग अमरनाथ दर्शन नहीं करने जा सके हैं उन्हें काशी में ही अमरनाथ के दर्शन मिल सके, इसीलिए सावन महीने में होने वाले हिम श्रृंगार की तैयारी बहुत ही भव्य तरीके से की गई थी। साथ ही पुजारियों ने भगवान से गुहार लगाए कि कोरोना और बाढ़ संकट से लोगों से की रक्षा करें और ऐसे में कोरोना और बाढ़ की शांति के लिए विशेष आराधना भी श्रद्धालुओं ने की। बता दें मंदिर के पुजारी जितेंद्र दुबे ने कहा कि करीब 1.5 दशक पहले जब सूखा पड़ा था तब बाबा की हिम श्रृंगार किया गया था, जिसके बाद फिर से एक बार सूखा नहीं पड़ा था और इसीलिए एक बार फिर से बाबा से प्रार्थना की जा रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई शोमेंदु अधिकारी को जेड श्रेणी का सशस्त्र सुरक्षा कवर प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। बता दें विधानसभा चुनाव के दौरान शोमेंदु अधिकारी की कार पर हमला किया गया था और एक समाचार एजेंसी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शोमेंदु अधिकारी के जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने को लेकर अपनी सहमति जता दी है। साथ ही शोमेंदु अधिकारी इस साल जनवरी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले बता दें साल में उनके बड़े भाई शुभेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने मार्च अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर हुए कड़े मुकाबले में भी हरा दिया था। और इससे पहले गृह मंत्रालय से जुड़े अफसरों ने बताया कि शोमेंदु अधिकारी के अलावा ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के नेता अनंत महाराज को भी वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। महाराज की राजबोगंशी समुदाय में खासी लोकप्रियता है। उत्तर प्रदेश में लगातार कम होते आंकड़ों के बीच बेहतर होते हालात से जनजीवन तेजी से पटरी पर लौट रहा है। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले आज भी यूपी टेस्टिंग टीकाकरण के साथ साथ कोविड प्रबंधन में भी अव्वल है, जिसकी गवाही कम समय में तेजी से बेहतर होते हालात दे रहे हैं। हालांकि महाराजगंज में सामने आ रहे नए केसों ने चिंता जरूर बढ़ा दी है और अब कम होते संक्रमण के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने आंशिक बंदी में ढील देते हुए प्रदेशवासियों को राहत दी है। यानी कि अब प्रदेश में सक्रिय केसों की संख्या 500 से कम हो गई है और अब ये संख्या 490 तक आ गई है। इसके साथ ही अलीगढ़, अमेठी, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, गोंडा, हाथरस, कासगंज, पीलीभीत, सहारनपुर, शामली और सोनभद्र जिलों में कोरोना का एक भी मरीज शेष नहीं है। ये जिले अब पूरी तरह से कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा टेस्ट करवाने वाले यूपी में अब तक 6,83,86,372 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है, जबकि बीते 24 घंटे में 2,48,000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग में 43 लोगों में संक्रमण पाया गया है। इस दौरान 71 लोगों ने कोरोना को मात भी दी, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01 बनी हुई है और रिकवरी दर 98.6% है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए माता पिता और छात्रों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। दरअसल सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में शैक्षणिक वर्ष में 15% फीस कटौती की जाएगी और ऐसे में कोविड काल में माता पिता के सामने आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से फीस कटौती का ये निर्णय लिया गया है। नए आदेश के बाद अब तक जिन अभिभावकों ने पहले ही फीस जमा कर दी है उन्हें अगले महीने पूरी तरह या 3 भागों में वापस दिया जाना होगा या फिर अगले साल की फीस में समायोजित किया जाना चाहिए। आदेश में ये भी कहा गया है कि किसी भी स्कूल को किसी भी तरह से छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल
होने से नहीं रोकना चाहिए। साथ ही अगर वो फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं तो भी परीक्षा देने दे देनी चाहिए। इससे पहले बता दें 28 जुलाई को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में और राज्य के निजी स्कूलों के लिए 15% फीस में कटौती को मंजूरी दी गई थी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने तब निर्णय लिया था कि फीस भुगतान का ढांचा ऐसा किया जाए कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना रह पाए। लंबे समय से माता पिता की ओर से ये चिंता जताई जा रही थी कि कई निजी संस्थान महामारी के दौरान भी मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि इसकी वजह से कई माता पिता के सामने वित्तीय संकट ने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया है। ऐसे में राज्य के स्कूल की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने तब कहा था कि हमने इस साल की फीस के संबंध में ये निर्णय लिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कैबिनेट द्वारा ये निर्णय लिया गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि यदि फैसले पर निजी स्कूलों की ओर से पालन नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में एनसीपी ने राज्य में कोविड-19 के टीकों की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एनसीपी ने केंद्र सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को वैक्सीन की सप्लाई न करने की वजह से राज्य में टीकाकरण केंद्रों को बंद करना होगा। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में टीकाकरण की गति बाधित हो रही है क्योंकि केंद्र महाराष्ट्र को पर्याप्त टीके उपलब्ध नहीं करा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि वो लोन के आधार पर प्राइवेट अस्पतालों से टीका लेगी और बाद में उपलब्ध होने पर उन्हें वापस कर देगी। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की कमी पर बात करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि वैक्सीन की कमी की वजह से कई केंद्र अभी भी बंद हैं और हमें उतनी वैक्सीन नहीं मिल रही है जितने की हमें मांग है। कम से कम 20 लाख लोगों को आज दूसरी खुराक की जरूरत है और वैक्सीन की नई खुराक आने के बाद इन लोगों को पहली खुराक दी जाएगी और इसका मतलब यह है कि अन्य आम जनता को वैक्सीन नहीं दी जा सकती है और इसीलिए सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है। तो बता दें महाराष्ट्र में एक बार फिर से वैक्सीन की कमी देखने के लिए मिल रही है और इसीलिए उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कई वैक्सीनेशन सेंटर्स को फिर से बंद कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी तमाम राज्यों की तरफ से ये जानकारी दी जा रही थी कि वैक्सीन की कमी उनके राज्यों में है, इसीलिए वैक्सीन की रफ्तार फिर से कम हो गई है और इसीलिए कई सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र से ऐसी खबर आ रही है सामने कि वहाँ एक बार फिर से वैक्सीन की कमी हो गई है जिसके चलते कई सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के रिश्तों को दर्शाता एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर भाई से रक्षा का वचन लेती है तो बदले में भाई वचन देकर कुछ गिफ्ट भी देता है। रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान में रखकर गुजरात के सूरत में देश की सबसे महंगी राखी तैयार की गई है जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। एक राखी की कीमत सुनकर आप भी चौंक ही गए होंगे, मगर ये सच है। यूं तो रक्षाबंधन के पर्व पर रेशम के धागे से बनी राखियां ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधा करती थी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में अभी भी ये चलन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शहरी इलाकों में बदलते समय ने राखियों की परिभाषा भी बदल दी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सूरत के ज्वेलर शोरूम में अलग अलग प्रकार की राखियां सोना चांदी और प्लैटिनम से तैयार की गई हैं। इस शोरूम में 350 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की कीमत तक की राखियां रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर तैयार की गई हैं। साथ ही ज्वेलर्स दीपक भाई चौकसी का कहना है कि उनके द्वारा तैयार की गई राखियां रक्षाबंधन के बाद गहने के रूप में भी पहनी जा सकती हैं। सूरत के डी खुशाल दास नामक ज्वेलर्स के मालिक दीपक चौकसी द्वारा
ज्वेलरी में अलग अलग प्रकार की राखियां तैयार की गई हैं, जिसमें अब सबसे महंगी और आकर्षण का केंद्र ये 5 लाख रुपए की कीमत वाली राखी है। हालांकि इस राखी को ज्वेलर ने एक ग्राहक बहन की मांग पर तैयार किया है, जिसे देश की सबसे महंगी राखी भी कहा जा सकता है। बीजेपी नेता की ओर से किए जा रहे हमलों का पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने तल्ख अंदाज में जवाब दिया है। अपने फेसबुक पेज पर एक एक प्रकरण का जवाब देते हुए हरीश रावत ने लिखा कि कुछ उजाड़ बल्द और उजाड़ बकरियां मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा कौन सा चुनाव आखिरी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, जब जब उत्तराखंडित ये पर आक्रमण होगा, किसानों दलितों के हितों पर चोट पहुंचेगी, महिलाओं का निवाला छीना जाएगा, नौजवानों से रोजगार छीना जाएगा, हरीश रावत ने शमशान से भी आकर आकार के खड़ा हो जाएगा। इस समय इन सब वर्गों के अधिकारियों पर भी चोट हो रही है। ये मुझसे कह रही है कि हमेशा रावत एक राउंड और होना चाहिए, तुमको 50 साल के हरीश रावत के तरीके से खेल खेलना होगा। दैनिक शराब के बारे में लिखा कि आज भी शराब के स्टोरों सैन्य कैंटीनों में बिक रही है, उस समय ये जहर थी तो आज अमृत कैसे बन गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 1,37,000 लोगों को जमीनों का मालिकाना हक दिया, इनमें से ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग के लोग शामिल थे। जमीनों के वर्गीकरणों को समेट करके उनको जमीनों पर मालिकाना हक भी दिया है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल के पास ट्विटर ने अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। इसकी जानकारी खुद हरीश रावत ने अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी है। बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया था। वहीं हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि लोकतंत्र में मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है, मैंने मुहिम के तहत बता दें मैं अभी भी राहुल हूं को लेकर एक दलित परिवार का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था। ट्विटर इंडिया ने मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। वहीं ये शर्त रखी है कि जब यह पोस्ट हटा दिया जाएगा तो मेरा अकाउंट फिर से चालू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्धारित दौरे के तहत हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने ओलंपिक खेलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर रोशनाबाद पहुंचकर वंदना कटारिया के परिवार से मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए की धनराशि का चेक देकर शुभकामनाएं भी दी। चार धाम देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ में 60वें दिन गुरुवार को भी तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन जारी है। वहीं इससे पहले बुधवार को आंदोलनकारियों ने नारेबाजी कर जुलूस निकाला था। बता दें केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों ने क्रमिक धरना दिया। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं करती वो आंदोलन करते रहेंगे और 1 सितंबर को जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में होने वाले प्रदर्शन में केदार घाटी के प्रत्येक गाँव के ग्रामीण भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बीजेपी से जुड़े तीर्थ पुरोहितों का प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देने का सिलसिला भी बना हुआ है। बता दें अब तक 26 तीर्थ पुरोहित पार्टी छोड़ चुके हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्ताओं के कार्य बहिष्कार से कई कामकाज प्रभावित हो गए हैं, खासकर प्रसूताओं और गर्भवतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रसव समेत टीकाकरण और कई काम प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अल्मोड़ा जिले में बता दें कुल लगभग 936 आशाएं कार्यरत हैं और जिले भर में प्रतिदिन औसतन
20 से 40 प्रसव होते हैं। ऐसे में आशाओं की प्रसव में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन डॉक्टर सविता ने बताया कि गांव-गांव जाकर टीकाकरण, लोगों को जागरूक करने समेत तमाम कार्य भी आशाओं के जिम्मे हैं। इन दिनों आशाओं के कार्य बहिष्कार से इन कार्यों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग से संचालित कई योजनाओं में घर घर जाकर दवाओं के वितरण भी आशाओं की हड़ताल से प्रभावित हो रहे हैं। कई बुनियादी कार्य आशाओं के जिम्मे आते हैं, ऐसे में आशाओं के कार्य बहिष्कार से कई काम प्रभावित हुए हैं और आगे भी काम बहिष्कार जारी रखा गया तो टीकाकरण समेत दवाओं के वितरण में दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं बता दें, ब्लॉक अध्यक्ष ममता तिवारी ने कहा कि मांगों को लेकर हम लगातार कार्य बहिष्कार और आंदोलन कर रहे हैं, पर अब तक कोई सकारात्मक आश्वासन हमें नहीं दिया गया है और मांगे पूरी नहीं होने तक हम आंदोलन को अपना जारी रखेंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।